हेलो एवरीवन, इस स्टडी में हम ये चेक करने वाले हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी रियल ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। अभी इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनकी फीलिंग्स थॉट्स क्या है। चलिए खुद को उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करें। आप साथ में यूनिवर्स से प्रेस ज़रूर कर लें कि वो आपको इस स्टडिंग के थ्रू सही गाइडेंस दें, आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करें। तो क्या है उनकी फीलिंग्स थॉट्स, उनकी एनर्जी आपको लेकर राइट नाउ। यहाँ पर डेन ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ये आपको अपने फैमिली के रूप में देखते हैं, फैमिली डेफिनेटली मानते हैं। या तो आप दोनों का फैमिली हो सकता है, हस्बैंड वाइफ ही हो सकते हो जो किसी वजह से दूर हो गया या नहीं बन पा रही है। अगर आप दोनों साथ में हो, आप दोनों का जो थॉट्स है, एनर्जी है, मिल नहीं पा रहा है, आप दोनों सेम पेज पर नहीं हो, कुछ ना कुछ यहाँ पर सोच का अंदर हो रहा है, या तो एज गैप ही हो सकता है इनके साथ आपका। पर ये निभाना ज़रूर चाहते हैं आपके साथ रिश्ता को, ठीक है। हस्बैंड वाइफ नहीं हो तो ये ज़रूर चाहते हैं कि आप दोनों एक फैमिली की तरह रहो, साथ रहो, अपने फैमिली में ज़रूर इन्वॉल्व करना चाहते हैं। या आपको लेकर एक कंपटीशन फील करते हैं आपको लेकर, बिल्कुल ये आपको अपना फैमिली ही मानते हैं, या फैमिली से इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, फैमिली से मीटिंग कराना चाहते हैं। कोशिश किया थे इन्होंने आपके साथ फैमिली बनाने का, या आपके साथ आगे बढ़ सके जो रिश्ता है, पर हो नहीं पाया। आपके पार्टनर इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं कि उन्होंने आपको खो दिया है, एक ऐसे पर्सन को खो दिया है जो इनके फैमिली था, फैमिली की तरह था, जो इनको कंप्लीशन देता था या देती थी, जिनसे बहुत प्यार करते हैं उनको खो दिया, जिनसे इनको बहुत प्यार मिलता था, आज वो इनके लाइफ में नहीं है, आज उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। ये तो इनको डिसीजन लेना है, इनको फैसला लेना है, और ये नहीं कर पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि एक और आप हो, दूसरी ओर इनका फैमिली हो सकता है। आपके साथ रिश्ते में स्टेबिलिटी के बारे में ज़रूर सोचते हैं, स्टेबिलिटी लाए, नई शुरुआत करें, न्यू बिगनिंग करें। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, या जो है इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह, सबको किनारे करके एक फुल एनर्जी में आ जाए और सिर्फ अपने बारे में सोचें, ठीक है। कुछ गलती कर ले, कुछ मिस्टेक्स कर ले आपके साथ जो नहीं करना चाहिए, या जो इनको रोकता है, ठीक है, इनका मैच्योरिटी जो इनको रोक देता है कि नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुम्हें वो करना है जो सबके लिए सही है, तो ऐसा कुछ जरूर करना चाहते हैं जो सिर्फ इनके और आपके लिए सही हो, राइट हो। सेल्फिश एनर्जी में आकर, फुल वाले एनर्जी में आकर आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं इस रिश्ते में, आपको चूज करना चाहते हैं, मिस्टेक्स करना चाहते हैं, गलती करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। जो ड्रीम, जो ख्वाब आपके साथ देखा है इन्होंने, उसको फुलफिल करना चाहते हैं। इनकी एनर्जी ऐसा ना, मैच्योर होकर मुझे क्या मिला, मैं हमेशा सबके बारे में सोचती हूँ, इससे क्या मिला। देखो आज हमारे बीच दूरियाँ आ गई, तो क्यों ना खुद के बारे में सोचा जाए, क्योंकि उसके बिना रहा नहीं जा रहा है। कितना दिन हो गया उसे बिना बात किए रहे, तो ये ज़रूर सोच रहे हैं करेंटली आपके पार्टनर, ठीक है। और आप ये स्टक हो, आप भी कहीं आगे नहीं बढ़े हो, ठीक है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप डाउटफुल एनर्जी में हो, अनक्लैरिटी है आप दोनों के बीच। जल्द ही क्लैरिटी मिल जाएगी, किसी की तरफ से आपको न्यूज़ मिलेगा इनसे रिलेटेड। आपके पार्टनर राइट नाउ कैरियर पर भी फोकस कर रहे हैं, सक्सेस चाहिए इनको, हार्डवर्क मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आपको इस नज़र से देखते हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स या किंग ऑफ पेंटिकल्स, और ख़ुद को भी आपके लेवल पर लेकर आना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये तैयार नहीं है, ये रेडी नहीं है, ये आपके लेवल पर नहीं है, तो आपके लेवल पर ज़रूर आना है इनको। प्यार तो आपसे बहुत करते हैं, प्यार के मामले में किंग और क्वीन हैं, पर पैसा इनके एनर्जी में ऐसा भी देख पा रहे हो ना, जब मेरे पास बहुत पैसा होगा, मनी होगा, जब मैं एक सक्सेसफुल पर्सन होऊंगा या होंगी, तो इसको पाना आसान रहेगा मेरे लिए, तब मैं इसकी ओर लौटूंगा या लौटूंगी। तब मुझे इसके साथ नई शुरुआत करना है, और वो करने से कोई नहीं रोक सकता,
ये इन्होंने अपने मन में बैठा लिया है। ठीक है, देखिए आपको हैप्पीनेस, खुशियाँ, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं ये। आपके साथ फेवरेट सोच रखा है इन्होंने, आपकी लाइफ में ज़िंदगी भर के लिए आना चाहते हैं, कुछ वक्त के लिए नहीं। तो राइट नाउ इनकी फीलिंग्स आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। सभी साइंस आ गया गाइस, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना।